दिल्ली के जंतर मंतर पर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं दिल्ली चलो ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकारिणी कल्याण सेवा द्वारा जो है यहाँ पर कई संख्या में, काफी संख्या में जो है आशा वर्कर्स मौजूद है। हमारे साथ है राजेश शर्मा जी जो कि संरक्षक है ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकारिणी कल्याण सेवा के संरक्षक है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज तमाम आशा वर्कर्स जो है नई दिल्ली के जंतर मंतर आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं सरकार के समक्ष? पहले तो ये बता दीजिए आशा बहु का क्या मतलब? देखिए आशा बहु सरकार की दी हुई ये एक शब्द है, सरकार ने इनको आशा वर्कर के तौर पर इनको नियुक्ति की है और ये नियुक्ति सरकार द्वारा निकाली जाती है, तब इनका सिलेक्शन होता है और इनका सिलेक्शन इसको 17 साल समथिंग हो गए आशा वर्कर की यूनिट को चलाए हुए सरकार द्वारा। लेकिन आज इस आशा वर्कर की ये बुरी स्थिति है कि एक चौराहे के मजदूर के बराबर भी इनको पैसा नहीं मिलता। इनको पैसा मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए, 2000 रुपए, उसमें भी आशा वर्कर को कुछ आश्वासन देते हैं कि आपको फोन का पैसा मिलेगा, आपको किराए का पैसा मिलेगा, इसका पैसा मिलेगा, उसका पैसा, कुछ नहीं है। टोटल भ्रष्टाचार है आशा वर्कर के साथ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। विभागीय अधिकारी विभागीय बाबू बराबर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरकार के झूठे वादे हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करो, सरकार बनवाइएगा, हम आपको ये राशि देंगे। वो जबकि इनको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है तो प्रोत्साहन राशि भी एक एक डेढ़ साल नहीं आती है, उसका भी आती होगी तो अधिकारी लेवल पर उसका घोटाला हो जाता होगा, लेकिन इन लोगों तक नहीं पहुंचती है। ये आंदोलन के लिए यहाँ आ रहा है अधिकारी बाबू द्वारा, इनकी आवाज को कुचला जा रहा है, रोक दिया गया है, संख्या वाली को नहीं आने दिया गया है, उनको धमकियां दे दी गई, आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, नौकरी जी ली जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा सरकार तानाशाह है, उसके बाबू अधिकारी तानाशाह है। सरकार संविधान बदल सकती है, वो अपना सर्विसमैन भी बदल सकती है, सरकार तानाशाह सरकार है, महिलाओं की आवाज को कुचलना चाह रही है। ये लोग ये समझ लीजिएगा कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, 15 किलोमीटर राज्यों से यहाँ पर आशा वर्कर मौजूद है, आशा वर्कर मौजूद है, लेकिन सरकार के झूठे वादे के अंदर ये निराश होकर जा रही है। अभी तक ये टाइम हो गया, यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, परंदा पर मारने नहीं आया, यहाँ किसी चीज की सरकार के कई ऐसे नेता हैं जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, स्वयं खुद मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला जो है सड़कों पर है, झूठ बोलते हैं। वोट कौन से वोटों की राजनीति है, सशक्तिकरण की बात है, जिससे ये प्रचार करते हैं, वोट और होल्डिंग टांगते हैं, सरकार का खर्चा करते हैं, कुछ नहीं, वोटों की राजनीति है, फिर वोटों की राजनीति है, गुमराह करना है। और अच्छे दिन आएंगे तो सरकार के अच्छे दिन आ गए, मोदी जी मन की बात करते हैं, ये इतनी नारी सशक्तिकरण है, इनके मन की बात एक बार करते मोदी जी नहीं करेंगे, अपने मन की बात करते हैं, इनके मन की बात एक बार पूछ लो मोदी जी, तुमको 2024 में नहीं चलने देंगे, अगर आप मन की बात करेंगे 2024 अगर इनकी बात नहीं भी सुनेंगे तो क्या हुआ, कितने वोटों का उनका कितना नुकसान, लाखों वोटों का नुकसान होगा, 10 लाख आशा वर्कर, आशा वर्कर आशा वर्कर जब क्षेत्र में जाएगी तो क्षेत्र में कार्य करने के साथ साथ सरकार का भ्रष्टाचार बनाएगी, सरकार के जो भी कार्य है वो भी गिनाएगी, सरकार के विरोध करेगी, गिनाएगी क्या, सरकार के कार्य है ही नहीं है कोई, सरकार ने कार्य किया होते हैं नारी यहां घूम रही होती धूप में, छोड़ो छोड़ो बच्चों को छोड़ के घर आइए, कोई किसी का वाले, कोई किसी का वाले, कल से चले हुए हैं, कल सुबह से कल परसों शाम से धूप में चिलचिलाती धूप है, पसीने ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, छोड़कर क्या टेंट या किसी चीज की व्यवस्था नहीं, खुले में पड़े हुए धूप में ही लोग, कोई भी व्यवस्था नहीं है, यही वोट बैंक है राजनीति का, यही वोट बैंक है, वोट बैंक यहाँ घूम रहा है सरकार, ये सरकार आपको नोटिस कर लीजिए 2024 तक अगर इन आशा वर्करों को 18,000 न्यूनतम मान दे, आशा संगनी को 24,000 मान दे, अगर नहीं दिया गया या उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया तो मोदी जी उनकी गिनती शुरू कर दे 2024 में, कर्मचारी का दर्जा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं,
ये 17 साल से कार्य कर रहे हैं, इनको राज्य कर्मचारी नहीं मिला है। ठीक है, हमने एक बात कहते हैं सरकार से, अगर आपके सरकार में सिस्टम कोई नहीं जानता, हमें कौन करिए? हम देश के बताएंगे कि जो 10 साल कार्य कर चुकी है उसको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए उसकी कार्यवृत्त पे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। नए अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, उसमें लूट कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। सरकारी हॉस्पिटल में जो ये कार्य कर रही 70 रुपए नए वोट लेडीज नहीं कर रही, वो गाइनी नहीं कर रही है, वो सीट पे नहीं मिलती है, कोई मेडिसिन नहीं मिलती है, कोरोना टेस्ट मिलता है। सिर्फ कहते हैं जब औरत प्रेग्नेंट होती है तभी से शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है इनका कार्य, तब तक बच्चा स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक घर में रहता नहीं, बच्चा स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक। सरकार से डिमांड है आशा वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है तो 10 लाख का इनको डिमांड है। जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वाकई में जनता देवी देवताओं की पूजा करती है और ये 9 दुर्गे और ये सारे फंक्शन अपने घरों में अगर करती है तो पहले इस देवी को खुश करो, अगर ये देवी खुश है तो वो देवी खुश हो जाएगी। मैं यही कहूंगा सब जनता से कि इन दोनों का साथ दो और सरकार से 2024 में मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। खुलकर विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन इनकी मांग पूरी करा करेंगे। देखा आपने साफ तौर पर क्या नाम है, राजेश शर्मा, साफ तौर पर राजेश शर्मा जी ने खुली चेतावनी दे दी है सरकार को कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती, आशा वर्कर्स की मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो 2024 में जो है सरकार को जो है इसका खामियाजा वोटों के द्वारा भुगतना पड़ेगा। आप लोग खुद खबर को देखते रहिए, खुद खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद। डिमांड बता दीजिए। डिमांड यही है कि हम लोग का एक निश्चित मानदेय वेतन कुछ हो जाए जी। क्या डिमांड रख रही हैं? डिमांड यही है कि 18,000 हमारी आशा बहुओं को और 24,000 आशा सखियों नियमित मानदेय हम लोग का हो जाए, और इस मांग को लेकर हम लोग काफी परेशान हैं और काफी दिन से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई अभी नहीं हुई है। अगर इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे भी कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो प्रदेश भर से आई हैं आप जी, अगर नहीं हुआ तो सुनवाई फिर आगे चुनाव के आचार संहिता के बाद जो है फिर हम लोग धरना देंगे, सड़क पर उतरेंगे, स्वास्थ्य विभाग में ताला लगाएंगे। जी, हमारे साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष में आपकी आवाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पुष्पा तिवारी, आशा सहसंगिनी कार्यकर्ती संगठन, आपकी आवाज से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग यहाँ पे तमाम आशा वर्कर्स जो है यहाँ पे मौजूद है, ऑल इंडिया आशा बहु जी कहे तो सब यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ मांग रखनी है सरकार? सर, सरकार से यही मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो अभी तक नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। और जो वेतन मिलता है वो? वेतन भी नहीं मिलता, प्रोत्साहन राशि मिलती है। जिस तरह कि आप भाई हमसे बात कर रही है तो आपको 200 रुपया मिलेगा, आज बात की तो मिला, अगले कल नहीं बात करेंगी तो नहीं मिलेगा। उसी तरह हमारा कार्य, आज हम कार्य कर रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि जिस दिन काम करेंगे उसी दिन का भुगतान? हाँ, भुगतान मिलेगा। और क्या मांग कर रही है सरकार? लेकिन ये बात भी नहीं रहेगी, अब तो सरकार द्वारा इतना सारा लोड दे दिया गया है कि हमें 24 घंटा अपने कार्य की हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार के जो हमारे ऊपर भरोसा है उसको रखते हुए हम 2400 घंटों का वर्क इस वक्त करते रहते हैं। हमारी नियुक्ति समझिए 2400 घंटा के लिए हुआ है। रात में भी अगर सरकार द्वारा, जैसे कोविड था, अगर कोविड के पेशेंट मिल जा रहे हैं तो रात को भी हमारी ड्यूटी कोविड में लगा दी जाती थी। अगर डिलीवरी होना है गर्भवती महिला के, पीड़ा उठा 12 बजे 1 बजे रात को, 24 घंटे की ड्यूटी, हाँ तब भी हम वहाँ रात में कॉल आया और मैं वहाँ, मतलब अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी समझते हुए, सरकार का सहयोग करते हुए कि सरकार का कार्यक्रम सुचारू ढंग से सफल बनाया जाए और जो है उनका कार्य भी बढ़िया हो, और हमारी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी
सुख सुविधा प्रदान किया जाए, लेकिन इस सुख सुविधा प्रदान करते हुए हमारी फैमिली जो है नीचे पाए तक गिरती जा रही है, भूख कगार के स्थिति में होते जा रही है हमारी फैमिली। जैसे हम अगर बीमार भी हो जा रहे हैं हमारे फैमिली में, तो हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम उनकी दवा करवा सकें। जी, तो आप कहाँ से आई? मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ, अम्बेडकर उत्तर प्रदेश। तो योगी जी के समक्ष नहीं गए आप लोग? कई बार जाते हैं, धरना देते हैं, कई बार लेटर। अभी 6 फरवरी को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में लेटर देकर आए हैं। हाँ, तो आपसे कोई संज्ञान? कोई भी संज्ञान नहीं मिला।